आपने सच्चाई का साथ दिया। तस्वीर पूरे प्रदेश की आपके सामने थी, आपने वो तस्वीर देखी, 15 साल की वो तस्वीर देखी और कहा कि भाई हम तो सच्चाई का साथ देंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आदिवासी समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं, और अगर हम हैं आज तो हम आदिवासी समाज के बदौलत है, और ये सरकार इतिहास बनाएगी कि सबसे ज्यादा हमारी सरकार आदिवासी के रक्षक है। ये कांग्रेस की सोच है। नौजवानों, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने का नजरिया सोचिए, दृष्टिकोण सोचिए, वो सच्चाई याद करिए, वो सच्चाई हमेशा याद करिए, जो कानून बनाए, जो हमारा संविधान बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने जो कानून बनाए, जो संविधान बनाया, बाबा अंबेडकर जी ने जो हमारे देश को संविधान दिया, ये आज हम इंदिरा गांधी जी को भी जो कानून बने थे, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, आपके बाप दादा तो जवान होंगे, पर इंदिरा गांधी जी का वो दृष्टिकोण था, उनके दिल में वो सहानुभूति थी, वो समझती थी कि अगर भारत के विकास की बात करनी है, मध्य प्रदेश के विकास की बात करनी है, तब ये केवल संभव है जब हम ऐसा कानून बनाए आदिवासियों को सुरक्षित, उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनके अधिकार सुरक्षित रहे। अभी सतीश पंजाब जी कह रहे थे किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से आदिवासियों को देखा जाता था। नौजवानों, इतिहास मत भूलिएगा। और अभी संस्कृति की बात करें, मुझे इस बात की चिंता भी है कि आज जो नई पीढ़ी है, ये कुछ आदिवासी संस्कृति में जितना सम्मान और जितना जुड़ती थी नहीं है। आज के नौजवान जो हैं, इंटरनेट की पीढ़ी है, गूगल की पीढ़ी है, व्हाट्सएप की पीढ़ी है ना? पर सबसे पहले बच्चों, आपको अपने संस्कृति को जीवित रखना है, और आपके संस्कृति को जीवित, आपकी संस्कृति जीवित रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। याद रखिएगा ये बात, आज गणतंत्र दिवस है, आज हमारे महामानव शाहिद कांटिया भील का जन्म दिवस है। हम एक संकल्प लें, हम संकल्प लें कि हम भारत की संस्कृति को जीवित रखेंगे, आदिवासी की संस्कृति को जीवित रखेंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये आज हमारा संकल्प है, और मेरी तो इच्छा है कि ये संकल्प आज इस समारोह समाप्त होने के पहले सब लें, क्योंकि भारत की संस्कृति पर क्या हमला हो रहा है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, भारत की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, और यही कांग्रेस की संस्कृति रही है। हम दिल जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, रिश्ते बना के रखते हैं, हर धर्म और हर जाति को जोड़ के रखते हैं। पर आज जिस नजरिए से हमारे संविधान के मूल्य होए या हमारी संस्कृति होए, इस पर जो हमला हो रहा है, आप सबको इसकी रक्षा करनी है। और मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार जो है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम आदिवासी नौजवानों को देंगे। आपकी हॉस्टल की बात होए, आज हमारे मंत्रिमंडल में कितने आदिवासी मंत्री हैं? बताओ उमंग, कितने आदिवासी? हाँ, 4 आदिवासी मंत्री हैं। कभी क्या 4 आदिवासी मंत्री एक छोटे से मंत्रिमंडल में हुए? ये हमारी सोच थी, ये सोनिया गांधी जी की सोच थी, ये राहुल गांधी जी की सोच थी। जब मंत्रिमंडल बन रहा था, उन्होंने सबसे पहले पूछा, आदिवासियों का नाम मुझे बताइए।
आदिवासियों का नाम बताइए कि अगर आदिवासी ही शासन प्रशासन में होंगे तभी वो रक्षा करेंगे, पर केवल वो नहीं करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। ये मेरा आप सबका आश्वासन है। आपने अभी मांग पत्र दिया है, चिंता मत करिएगा, ये आपके ऊपर है, आपके प्रतिनिधियों के ऊपर है, आपके संगठन के ऊपर है कि आप सरकार के पीछे लगकर, आपके हॉस्टल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आपके भविष्य की बात हो, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपने मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों, मध्य प्रदेश के आदिवासी ब्लॉक का एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया नक्शा बनाएंगे। ये मेरा आपको आश्वासन है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे भोपाल निकल जाना है, मुझे अन्य कार्यक्रम है भोपाल में आज गणतंत्र दिवस है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, पर जब भी आप मुझे बुलाएंगे, जब भी आप पुकारेंगे, कमलनाथ आपके बीच में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आदिवासी समाज की चिंता करते हुए आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जब तक आदिवासी बोलना नहीं सीखेंगे तब तक उनको राष्ट्र कलाम।